सभी को इंतजार है Redmi Note 7 का इंडिया में, लेकिन अब एक नई हवा उड़ चुकी है कि यार Xiaomi का एक नया धमाकेदार फोन लॉन्च होने वाला है चाइना में और कुछ ही टाइम में ये इंडिया आ सकता है। लेकिन ये जो फोन होगा ना, ये बहुत अच्छा फोन होने वाला है और इसे हम कह सकते हैं फ्लेक्सिप फोन, मतलब बहुत ही दांसू फोन होगा। और इस फोन में आपको जो कुछ मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं वन प्लस के, कहीं ना कहीं सैमसंग के फोन को, जो महंगे वाले फोन है उनको कड़ी टक्कर देगा। कौन सा फोन है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में आज लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का, तो कृपया करके 5000 लाइक दबा दो और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो। ये जो फोन है चाइना में लॉन्च होने वाला है, वो भी इसी महीने, और ये है Xiaomi का MI9। और ये जो MI9 है ना, यहां पर आपको बहुत कुछ कमाल का मिलने वाला है, और सबसे कमाल का जो होने वाला है वो है प्रोसेसर। और वैसे आपको ये पता होगा कि यार स्नैपड्रैगन का जो 845 है बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है, लेकिन अब इसका बड़ा भाई इसमें मिलने वाला है, मतलब यहां पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 855। और ये प्रोसेसर जो है ना, ये बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से काम करता है। यहां पर आप हैवी वाले गेम भी खेल सकते हैं, मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, और क्या पता यहां पर आपको 5G की कनेक्टिविटी भी मिल जाए। मतलब इंडिया में चाहे भले ये फोन बहुत लेट आएगा, लेकिन इस फोन में आपको 5G की कनेक्टिविटी मिल सकती है और साथ में यहां पर आपको कमाल की चीजें मिलने वाली है। लेकिन आजकल तो ट्रेंड हो चुका है कमाल के कैमरे का, कहीं ना कहीं आपको ऑनर के व्यू 20 में 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल गया है, वो भी रियल वाला 48 मेगापिक्सल का, मतलब सोनी का IMX586। वहीं आपको Redmi के Note 7 में 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिला है, भले वहां पर आपको Samsung का सेंसर मिल गया हो, और अभी लॉन्च होने वाला है Vivo का V15 Pro, लेकिन आपको Xiaomi के MI9 में 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, वो भी सोनी का IMX586, और साथ में आपको 12 मेगापिक्सल का एक और सेंसर मिलेगा और वहां पर आपको भी कमाल की इमेज मिल जाएगी। और एक जो यहां पर सेंसर होगा वो होगा TOF, मतलब यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा मिलने वाले हैं और बहुत ही कमाल के कैमरे होंगे, और साथ में आपके जो वीडियो होंगे वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आजकल तो यार सेल्फी हमें बहुत अच्छी चाहिए, सेल्फी जब तक कमाल की नहीं होती तब तो यार बात नहीं बनती। और यहां पर आपका 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे दिया गया है, मतलब यहां पर कैमरे में बहुत ज्यादा काम किया गया है। लेकिन यार टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए तभी बात बनती है। और यदि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट पसंद है तो यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिलने वाला है, मतलब यहां पर बस आपको डिस्प्ले में क्लिक करना है और आपका फोन जो होगा वो अनलॉक हो जाएगा। वैसे एक चीज मुझे आप ये बताइए, आपके हिसाब से इन डिस्प्ले जो आता है ना, वो ज्यादा सिक्योर है, वो ज्यादा सही है, या जो बैक में आता है और जो आगे की तरफ नीचे की तरफ आता है वो ज्यादा अच्छा है? जो भी आप सोचते हैं वो नीचे बता दीजिएगा। और साथ में एक चीज और है, यहां पर आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले मिलेगा, एमोलेड पैनल होगा, ऊपर की तरफ आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगी, और साथ में आपको बैक की तरफ ग्लास मिलेगा। बहुत ही अच्छा फिनिश है और देखने में ये फोन बहुत ही धांसू दिखेगा। लेकिन यार बैटरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और यहां पर आपको 37mAh की बैटरी मिल जाएगी, मतलब बहुत ही बड़ी बैटरी है, इतनी भी बड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, मतलब आपका फोन बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा, और यहां पर आपको पाई मिल जाएगा, उसके साथ साथ ये जो बेस्ड होगा वो MIUI पे बेस्ड होगा। यहां पर आपको फेस अनलॉक भी मिल सकता है, और साथ में यहां पर आपको कमाल की हर एक चीजें मिल जाएंगी। और यहां पर एक चीज मुझे बहुत खलता है MI की डिवाइस में, वो है हाइब्रिड सिम स्लॉट, मतलब या तो आप दो सिम कार्ड डाल सकते हैं, नहीं तो एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड डाल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यदि यहां पर हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं आए इंडिया में तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस फोन का प्राइस, अभी जो हवा उड़ रही है उसके हिसाब से इस फोन का जो प्राइस हो सकता है चाइना में वो हो सकता है 30,000 से लेकर 35,000 के आसपास। यदि 30,000 रुपए में यहां पर आपको 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, यदि आगे और पीछे भी होता है तब भी ये फोन बहुत ही कमाल का है। और यदि इस प्राइस में इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो कहीं ना कहीं अब Xiaomi इंडिया में भी खेल सकता है, क्योंकि इंडिया में Xiaomi मिड सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इनके जो महंगे वाले फोन है ना, वो कहीं खोए हुए हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में मिड सेगमेंट में बहुत अच्छे ब्रांड हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं, चाहे वो Realme हो, चाहे वो Asus हो, चाहे वो Xiaomi हो या कोई और ब्रांड।
वैसे अब आप मुझे ये बताइए, यदि Xiaomi ये फोन इंडिया में लाता है, मतलब MI का 9, तो किस प्राइस में इस फोन को आना चाहिए और इस फोन में आपको क्या कुछ अच्छा लगा है वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहले ही मैंने बता दिया है, और मन करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब, और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।